हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर वर्कशॉप ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग बात करेंगे जियार्डिया के बारे में। तो हम लोग पैरासिटोलॉजी पढ़ रहे थे और पैरासिटोलॉजी में हमने ट्राइपैनोसोमा को देख लिया था। आज हम लोग उसी के दूसरे पैरासाइट के बारे में बात करेंगे और वो है जियार्डिया। तो जियार्डिया ट्राइपैनोसोमा के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो काफ़ी ईजी है, यानी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा या भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बैच साइकिल पढ़ना नहीं है। इसका कारण क्या है कि ट्राइपैनोसोमा जहाँ पे एक डाइजेनेटिक पैरासाइट था, वहीं पे यहाँ पे हमारा जियार्डिया मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। अब जियार्डिया इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट। आप लोग जानते हैं कि प्रोटोजोअन पैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो प्रोटोजोआ में आते हो, यानी प्योर क्या ये हेटरोट्रॉफ है। इसके अलावा इट इज फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, यानी कि ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और इसी के अलावा हम लोगों ने देखा कि ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। याद रखिएगा ये बात, जियार्डिया मोनोजेनेटिक है, ट्राइपैनोसोमा डाइजेनेटिक है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में द जियार्डिया बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ क्लास मेस्टिगोफोरा, सब क्लास जू मेस्टिगोफोरा और जीनस जियार्डिया। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जियार्डिया पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देखिए फैलता कैसे है, अभी मैं आगे बताऊंगा। हल्का सा भी जान लीजिए कि ये फैलता है कंटामिनेशन से, यानी कि पानी और फूड में जब इसका कंटामिनेशन हो जाता है, यानी ये पानी और फूड को इन्फेक्ट कर देता है, तब जाके जियार्डिया फैलता है। अब इसके बेसिस पे हमने ये कहा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे दुनिया में, क्योंकि वाटर तो हर जगह अवेलेबल है। इसके अलावा ये ज्यादातर पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि आपका ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश होती है, ठीक। ट्रॉपिकल रीजन तो आप लोग जानते ही होंगे, उसी का पार्ट है सब ट्रॉपिकल रीजन। ओरिजिनेटेड फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, ये जियार्डिया कंटामिनेशन ऑफ फूड और वाटर से आता है और एक डिजीज कॉज करता है। उस डिजीज का नाम है जियार्डियासिस, ठीक। क्या नाम है डिजीज का? जियार्डियासिस। इसको हम लोग बीवर फीवर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? बीवर फीवर। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। हम इसके एक एक पार्ट को समझ लेते हैं क्या क्या ये कहना चाह रहा है। तो आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी पेलिकल। तो आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो हमने और ऑर्गेनिज्म देखा था और वो क्या था, सही पहचाना आपने, ये यूग्लिना। तो यूग्लिना के अंदर अगर हमने देखा था तो इसकी भी आउटर लेयर क्या कहलाती है? पेलिकल। ये पेलिकल थिन होती है और इलास्टिक नेचर में होती है, यानी हल्की सी स्ट्रेचेबल होती है। इस पेलिकल के अंदर आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पे पूरा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं किया है, यहाँ पे मैंने हल्का सा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया है। तो आप पेलिकल के अंदर जाएंगे तो पेलिकल के अंदर जाते ही आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्टोप्लाज्म, फिर आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसको और क्लियर करते हैं। अब ये मानिए कि पेलिकल के अंदर क्या है मेरा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैंने ये कहा, एक बार देख लेते हैं, ये है आपका पेलिकल और इस पेलिकल के बाद आने वाली जो दूसरी लेयर है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो अगर इस एंड के यहाँ इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं तो मेरा इधर का भी एक एंड बनेगा, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पेलिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, पेलिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड मौजूद रहेगा उसको हम क्या बुलाएंगे? एक्टोप्लाज्म। पेलिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड मौजूद रहेगा उसको हम क्या बुलाएंगे? एक्टोप्लाज्म। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे इस लेयर, इधर की लेयर और इधर की लेयर, यानी इधर की लेयर और इधर की लेयर, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्म। और इस एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को हम लोग कंस्टिट्यूएंटली बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था कि आज के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पूरे कोर को सीखे, ठीक। तो मैंने क्या कहा, पेलिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इधर साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है वो एंडोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को मिला के क्या बना मेरा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखते हैं
इसके अलावा यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे दो दो न्यूक्लियस है। ठीक, आपको एक फैक्ट बताते हैं, जियार्डिया एक ऐसा पैरासाइट है जो सिर्फ सिस्ट के फॉर्म में रहता है, तब उसके पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं और जब एडल्ट हो जाता है तो उसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, जियार्डिया एक ऐसा पैरासाइट है जो जब सिस्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, 4, यानी कि वेन ये सिस्ट के फॉर्म में है तो 4 न्यूक्लियाई, और जब ये एडल्ट हो गया तब 2। तो ये एक एडल्ट जियार्डिया है, इसलिए मैंने आपको 2 न्यूक्लियाई दिखाए, एक न्यूक्लियाई ये रहा न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस। और आप तमाम तरीके का यहाँ पे अलग अलग जगह पे फ्लैजिला देख रहे होंगे, नाम अलग अलग है, एंटीडिया फ्लैजिलम, क्योंकि एक फ्लैजिला की बात करें तो उसको फ्लैजिलम बोला है। ठीक, एक फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिलम, ढेर सारा फ्लैजिलम फ्लैजिला। अब देखिए तो ये रहा एंटीरियर फ्लैजिलम, पोस्टेरोलेटरल फ्लैजिलम और कॉडल फ्लैजिलम। ये सारे के सारे फ्लैजिला पूरे के पूरे लोकेशन के बेस पे दिए हुए कि कौन सी जगह पे वो लोकेटेड है, और आप लोगों को ये पता होगा, मैंने आपको क्लियरली दिखाया नहीं है इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो फ्लैजिला है वो ओरिजिनेट होता है बेसल ग्रेन्यूल से, यानी यहाँ ये सब बेसल ग्रेन्यूल है। फिर सुनिए मैंने क्या कहा कि जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन ऑफ फ्लैजिला arises from basal granule। ठीक है, फ्लैजिला का ओरिजिनेशन कहां से होता है, बेसल ग्रेन्यूल से होता है। अब इसी के बाद हम एक और बात देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही इजी सी बात दी हुई है कि और अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो और अंदर आपको क्या मिलेगा, ये पैरामाइलम, इसको भी देख लेते हैं। पैरामाइलम क्या होता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, द पैरामाइलम इज द रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये पैरासाइट है, इसको भी फूड की जरूरत पड़ती है, तो ये फूड लेता है, हमारे लिए किसी सिचुएशन में इसको फूड नहीं मिल पा रहा है तो इसके पास भी कोई स्टोर फॉर्म ऑफ फूड होना चाहिए, जैसे हमारे अंदर फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट के अंदर फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, वैसे ही इन प्रोटोजोअन्स के अंदर फूड पैरामाइलम के फॉर्म में स्टोर होता है। पैरामाइलम भी एक फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक, आगे देखेंगे, इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे तो हैंगिंग टाइप का राइजोब्लास्ट भी मौजूद होगा। बहुत सारी चीजें मैंने नहीं दिखाई हैं, मैं सिर्फ आपको क्लियर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक एग्जामिनेशन पोर्शन जो है वो पूरे तरीके से तैयार हो जाए। एडल्ट जियार्डिया ये रहा। अब इसके बाद हमें इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है, कुछ ज्यादा आपको काम नहीं करना है, बहुत ही आसान सी लाइफ साइकिल है। देखिए तो लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया 5 फेजेस में चलते हैं, क्या क्या है, इन्फेक्शन, मल्टीप्लीकेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, रिलीज विथ फीकल मैटर एंड ट्रांसमिशन इन होस्ट बॉडी। तो समझ लेते हैं सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को इन्फेक्ट करना, किसी को डिसीज देना, किसी के अंदर एंटर करके तबाही मचा देना। तो इन्फेक्शन को जरा सा हम लोग समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इन्फेक्शन में, कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो सिस्ट है ये क्या होगा, सबसे पहले फीकल मैटर से बाहर निकलता है और फीकल मैटर से बाहर निकलने के बाद ये वाटर में डिस्चार्ज हो जाता है। वाटर में डिस्चार्ज होने के बाद इसके अंदर क्या होता है कि ये वाटर को कंटामिनेट कर देता है। जब वाटर कंटामिनेट हो जाएगा तो वो वाटर पिएगा कौन, ह्यूमन, और दूसरे एनिमल्स भी पीते हैं। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन को होस्ट माने हुए हैं, प्राइमरी होस्ट है इसका ह्यूमन, तभी ये कह सकते हैं द ओनली होस्ट है ह्यूमन। तो इस ह्यूमन के बेस पे यहाँ पे ये फूड, सॉरी, ये वाटर के बेस पे यानी वाटर के थ्रू ये क्या गया, जियार्डिया ह्यूमन के अंदर गया, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए ये इसके स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद इसका दूसरा रोल स्टार्ट होता है जो है मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही इंटेस्टाइनल एरिया के ड्यूओडेनम एंड जेजनम रीजन में पहुंचेगा, फिर इसमें मैंने क्या कहा, जैसे ही ये इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम और जेजनम रीजन में पहुंचेगा वैसे ही इसकी सिस्ट का रिमूवल हो जाएगा। जैसे ही ये इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम और जेजनम रीजन में पहुंचेगा वैसे ही सिस्ट रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये रहा इसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये गया, यहाँ पे क्या हो गया, या मैं इसको जूम करके आप दिखा रहा हूँ कि ये स्टमक के अंदर है, सिस्ट फेवरेबल कंडीशन में निकल गया।
सिस्ट फेवरेबल कंडीशन में निकलने के बाद लॉन्ग ये एडल्ट जियार्डिया है, आपको याद रखना ये बात, एडल्ट जियार्डिया के अंदर ही क्या बन जाता है ऊपर, सॉरी एडल्ट जियार्डिया के ऊपर सिस्ट बना, तो जब सिस्ट हटेगा तो ये एडल्ट जियार्डिया है, ये एडल्ट जियार्डिया ने तुरंत लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किया। ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के दौरान इसने क्या किया, अपनी ढेर सारी यहां कॉपीज बना दी, तो ये थी ढेर सारी कॉपीज और ये एडल्ट जियार्डिया का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये भी एडल्ट जियार्डिया ही था लेकिन यहां पे एक है, यहां पे हमने कई। ठीक है, अब अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या होगा, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, ये एडल्ट जियार्डिया अपने अगल बगल क्या किया, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस निकाल दिया, यानी अब ये सिस्ट के अंदर इंक्लोज हो गया। जब जियार्डिया सिस्ट के अंदर इंक्लोज हो जाता है तो उसको हम बुलाते हैं ट्रोफोजॉइड स्टेज। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, जब जियार्डिया सिस्ट के अंदर इंक्लोज हो जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रोफोजॉइड स्टेज। अब ये जो ट्रोफोजॉइड स्टेज है, ये ट्रोफोजॉइड स्टेज वही है, देखिए आगे चलते ये सिस्ट वाला फॉर्म है, ये स्टमक के अंदर हो रहा है। ठीक है, और ध्यान सुनिए, ये पूरा काम इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, तो ये जो सिस्ट है एक्चुअली में ये यही है, दिस इज दिस। ओके, तो अगर ये यहाँ पे इसका ये फॉर्मेशन हुआ एडल्ट जियार्डिया का, इधर ये एडल्ट जियार्डिया बना होगा और ये एडल्ट जियार्डिया के ऊपर सिस्ट आया, फीकल मैटर के द्वारा ये बाहर निकल गया। जैसे ये फीकल मैटर के द्वारा क्या हुआ, बाहर आया, फीकल मैटर के द्वारा बाहर आने के बाद ये ब्रीच से वाटर में डिस्चार्ज हो गया, कंटामिनेशन कॉज किया और बीमारी फैला गया जियार्डियासिस। अब इस जियार्डियासिस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जियार्डियासिस द पर्सन सफर्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ठीक है, यानी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, क्योंकि सारा काम इंटेस्टाइन में हो रहा है। जैसे ही एडल्ट जियार्डिया बनता है वो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉज करना चालू कर देता है। सिम्टम्स, तो जियार्डियासिस के सिम्टम है डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, यानी कि आपका ओवरऑल बॉयल कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ फीकल डिस्चार्जेस जो होंगे वो हल्के से क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, लूज मोशन वगैरह होना चालू हो जाएगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, सर में दर्द रहेगा और बुखार रहेगा। प्रिवेंशन देख लेते हैं, बचने का तरीका, नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते हैं कि अगर ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से हो रहा है तो हमें अवॉइड करना चाहिए कंटामिनेटेड फूड और वाटर को, यानी हमें फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, हमें पैक्ड फूड खाना चाहिए और हमें फास्ट फूड को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं ये कह दूंगा कि 100% अवॉइड कर दीजिए तो पॉसिबल तो है नहीं, तो जितना हो सके आप फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। और अगर मान लीजिए जियार्डिया हो भी गया तो जियार्डिया के बचने के ट्रीटमेंट है, आपके कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि जियार्डियोसाइन, सिप्लोक्सोर, नॉनफ्लेक्सटीज है, ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं जियार्डियोसाइन, सिप्लोक्सोर, नॉनफ्लेक्सटीज है, ये आपको मदद करेंगे कि आराम दिलाने के आपको जियार्डियोसिस से। थैंक यू। वीडियो काफी शॉर्ट थी क्योंकि जियार्डिया काफी शॉर्ट है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने का पूरा चांस रहता है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इजी सा है, नहीं समझ में आए एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, पूछिएगा।